छपिया थाना क्षेत्र के गायघाट ग्राम सभा के दिवाकर तिवारी के परिवार पर दबंगों ने हमला किया। पीड़ित ने बताया कि उनके पटीदार सुनील तिवारी, अरुण तिवारी, राम बहादुर तिवारी और राम बहादुर की पत्नी ने जबरन घुसकर पुरानी रंजिश के चलते लाठी व डंडा और कुल्हाड़ियों के साथ मेरे और मेरे माता पिता जिनकी उम्र 70 वर्ष है और मेरी पत्नी नीता त्रिपाठी 26 वर्ष और मुझ पर अचानक हमला बोल दिया। प्रार्थी ने बताया कि दबंगों द्वारा धारदार से हमला करने पर मेरे पिता रामचेतन तिवारी का बुरी तरह से सर फट गया, जिसके कारण आनंद फानन में जिला चिकित्सालय गोंडा में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने बताया कि पीड़ित के दाएं और सर पर 5 सेंटीमीटर गहरी चोटें आई हैं। साथ ही डॉक्टरों ने बताया कि सर के अलावा हाथ, पैर, पीठ आदि नाजुक अंगों पर भी मारने के निशान पाए गए। गुरुवार की रात आपके साथ क्या घटना? सर, मेरे पिताजी बाहर दरवाजे पे लेटे थे बाहर और हम अंदर थे। मेरी बीवी अंदर थी, माता जी हमारे वसारे में थी और चार लोग घर में थे। वो रात में एक बार आए और 8-8 बजे के करीब वो गाड़ी खड़ी की और बिना किसी ना सुनील कुमार, नाम बताइए सर, सुनील कुमार, अरुण कुमार और राम बहादुर। तो जो फर्स्ट में सुनील कुमार ने आया, तो सुनील कुमार ने गाड़ी खड़ी की और उसके बाद में जो है गाड़ी खड़ी करके बिना किसी नाम के वो गाली दे दी। तो एक हमारे घर के बगल में हनुमान शुक्ला जी थे, तो उन्होंने पूछा कि किसको गाली दे रहे, तो उन्होंने कहा कि सूर साले यहाँ के जो है राजनीति करेंगे मातर चोर। फिर उसके बाद गाड़ी उसने जो है गाड़ी स्टार्ट की और फिर अपने घर चले गए। वहाँ से लगभग 11:30 बजे रात में ना कोई बात, ना कोई चीज, ना कुछ। पिताजी बाहर लेटे थे, हम दोनों लोग अंदर थे और माताजी और सारे ही थी। उसके बाद इन्होंने चार लोग पहुँचे और भर भर मारना शुरू कर दिया। अब भर भर की आवाज़ भाई पिटास पड़ने पे आवाज जब अंदर गई तो भी हमारी पत्नी ने बोली कि आप जो है पिताजी को कोई मार रहे हैं। तो हमने उठ के और दौड़े, तो जब ये दौड़े तो उनको मार के और हमारे घर में घुस के हमको भी मारने शुरू किए। मेरी काफी बहन चोटें आई, कान भी है और मतलब चोटें आई। पिताजी को पहले मार के गिरा दिया हमको अंदर तक, उसके बाद माता जी को भी 200 का मार दिए और पत्नी के भी हमारे चोट आई, लेकिन हम उनका नाम टोटल कितना लोग घायल हुए? 4। गोंडा से राहुल तिवारी की रिपोर्ट।